हम ठीक ठाक कैसी हो? इसे खत्म कर दी कहीं देर ना हो जाए। अब व्लॉग भी बहुत अच्छे बनाते हैं। अच्छे बनाते हैं। हाँ जी। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूल उगते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग जी मेरा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। सुबह सुबह जो है ना काम काज हमने काट लिया है, क्योंकि टाइम जो है ना, मैं अभी अभी व्लॉग शुरू कर रही हूँ, टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 बज रही है। तो मैंने कहा कि व्लॉग जो है ना अपना शुरू नहीं किया, क्योंकि ये जो है ना बहन भाइयों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ। और घर का काम वैसे भी 1:30 बजे से हो जाता है 1:30 बजे तक। तो कपड़े वगैरह जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने मुकम्मल जो है ना तना पर कपड़े भी हमारे धुलाई हो चुके हैं, और घर का काम काज जैसा भी है, सहन की सफाई वगैरह, बर्तन सब कुछ जो है ना वो भी ओके हो चुका है। और अभी तो शाम की रेसिपी का टाइम हो रहा है, क्योंकि थोड़ी देर तक जो है ना हम शाम की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर हाजरा इस साइड पे आ जाओ, और यहाँ हाजरा ये देखें। हाजरा आप तैयारी कर ली आपने? माशाल्लाह आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये किसने तैयार करवाया आपको? मुस्फिरा ने। आप ही है ना? आपकी आप ही बोला करो। आप ही है ना? हाँ जी, आपकी आप ही ने जो है ना आपको तैयार किया है। माशाल्लाह आप तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही हो। और आप कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं जा रही थी, सही? हाँ कल ले आऊँगी, क्योंकि हाजरा का कल का जो है ना शूज टूट गया है, तो वो जो है ना कह रही है कि मुझे ना न्यू शूज लेकर आ। बंद कर दो, ये यहाँ से पानी आ जाता है वॉशरूम के ऊपर से, छत से। टैंकी जो है ना ओवर हो चुकी है, तो मैंने मुस्फिरा को कहा इसको बंद कर दें, क्योंकि ये ओवर हो जाती है तो फिर छत से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मोटर जो है ना हमने बंद कर दी है। और हाजरा की बात मैं कर रही थी, क्योंकि हाजरा कह रही थी कि मामा हमें जो है ना कल का इनका शूज़ जो है ना वो टूटा पड़ा है, तो इन्होंने कहा कि मामा मुझे शूज़ लेकर दें। और मैंने कहा कि जो है ना पेमेंट आ जाए तो उसके बाद जो है ना देखेंगे, फिर ले आएंगे। अभी तो घर में 1 रुपया भी नहीं है, तो कैसे हम आपको शूज़ लेकर दें? तो पहले भी एक पड़ा था स्कूल वाला, तो वही पहन कर चल फिर रही थी, लेकिन जैसे ही धूप निकल आती है तो मौसम जो है ना सही हो जाता है, तो इंसान कहता है कि मैं चप्पल ही पहन लूँ, क्योंकि वो बंद शूज़ जो है ना वो नहीं पहना जा सकता, क्योंकि तो इसलिए। ये देखें अभी जो है ना इनके पैरों में जूता नहीं है, और बार बार यही बात कहती है कि मामा मुझे जो है ना शूज़ लेकर दें। बस इनका भी टूट गया है, इनका भी टूट गया है। तो मैंने कहा कि आज का दिन और सब्र करें, और जैसे ही हमारी इनकम आएगी तो फिर मैं आपको जो है ना शूज़ लेकर दूंगी, जाऊंगी शहर, फिर सब बच्चों के शूज़ लेकर आऊंगी, जिन के टूटे पड़े हैं। तो बच्ची है ना, वो कहती है कि क्या आपका मामा जाती है नहीं जाती, लेकिन मुझे भी पता है, क्योंकि बच्चों के पाँव में जूते ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। और माशाल्लाह यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह सब के सब ये देखें धुल चुके हैं, और यहाँ पर जो है ना फट्टे पे लग गए हैं। और ये दो चूल्हे जो मैंने, एक ये सीमेंट वाला लिया था छोटे वाला, और ये बड़े वाला मैंने खुद बनाया था, लेकिन ये कभी इसमें आग जला लेती हूँ, कभी इसमें आग जला लेती हूँ। और मुझे याद आया, क्योंकि मैंने बाल्टी में ना अपना काढ़ा बना के रखा था, जो मैं खांसी के लिए ना हर रोज़ बनाकर पीती हूँ, तो सुबह मैंने बनाया था काढ़ा, तो वो मैं मुझे भूल गया था। तो ये आधी बाल्टी जो है ना पानी की थी, लेकिन अब जो है ना ये देखें इतना बच्चा पड़ा है, बिल्कुल थोड़ा सा, इसका काफ़ी सारा ये देखें अलता भी निकल चुका है, लेकिन ये कम है, और इसमें मुझे थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा, दोबारा इसको गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ना थोड़ी सी इसमें देसी शहद जो होती है ना वो इसमें डालूंगी, और फिर जो है ना मैं इसको पीऊँगी।
तो अभी फिलहाल के लिए ना इसको ऐसे करके रख देती हूँ, क्योंकि ये रखी रहे तो फिर बाद में देखूंगी कि इसको थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करके फिर जो है ना पी लूँगी। ऐसे आज ना आप पीती हो ना, क्योंकि ये खांसी के लिए ज़ुकाम के लिए अच्छा होता है, तो शाम को बनाती हूँ। सब पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं, आपके भाई भी पीते हैं, और ये सिर्फ हाजरा नहीं पीती, क्योंकि हाजरा जो है ना ये सब बच्चों से मुख्तलिफ है। ये जो चीज़ हम खाते हैं ये नहीं खाती, क्योंकि मीठा ये बिल्कुल भी नहीं खाती, और उसके बाद ये टेस्टी चीज़ें जो होती हैं ना ये बड़े शौक से खाती है। ऐसे हाजरा, हाँ जी। अभी इसको रख दो। आ जाओ, आपके पापा ने नहा लिया है और अब आपकी बारी है। देखा। मैंने देखा है, तो आप आ जाओ ना। नहीं देखा। देखा है यार मैंने, इधर आओ, आओ जाओ, मैं आपको नहला। ये देखें, बोलता है पापा को आपने नहीं देखा। कंघा शायद यहीं पर हम कंघा लगा रहे थे, और मुझे लगता है कि मौसफीरा ने कंघा उठाया है और कमरे के अंदर रख दिया है। यहाँ पर नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, जा रही हूँ। ये शीशा और ये इसके साथ आ गया कंघा। ठीक है, आपके भाई ने अभी अभी नहाया है तो उसको दे देती हूँ, वो भी अपनी लुक शुक बना ले। और इब्राहिम को कह रही है, इब्राहिम चलो बेटा इसको रख दो। नहीं उठाएगी, आप नहा लो फिर जो है ना आप इसको खेलना। मैं जेब वाला कमीज जो है ना आपको पहना दूंगी, फिर जेब में डाल देना। ठीक है, ये भी जेब वाली है, दो। हाँ ये एक है, दो नहीं है। ये उतार दूंगी और जो है ना दूसरा कमीज आपको पहनाऊंगी जो उसमें जेब होगी, फिर ये जेब में डाल देना। ठीक है, मैं पकड़ के इसको नहला दूं, क्योंकि ये ऐसे मैं बात करती रहूंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं मानेगी। जा रही हूँ, सुना है कि असलम भाई वाले भी आए हुए हैं, और समीना भाभी, मुफस भाई और नंबरदार, और ये सब लोग जो है ना मेरे ख्याल में ऊपर है। और इस टाइम को जो है ना इनके कमरों की छत पे ऐसी धूप होती है ना, बहुत ही मज़ेदार और भी है। धूप पे जा रही है। और जा रही हूँ धूप लगवाने। नहीं, कमरों के ऊपर तो आती है लेकिन नीचे सैंड पर नहीं होती। आपको पता है ना सुबह सुबह जैसे ही सूरज निकलता है ना तो सारी घर में छाई छा होती है। आपको जो है ना हमने सीढ़ी लेकर दी है। हाँ वो सीढ़ी जो है ना रखी हुई है। वो क्या है कि आपके मामू जो है ना जब उसका दिल करता है तो सीढ़ी लगा लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं, जब दिल नहीं करता तो सीढ़ी को नीचे रख के फिर बैठ जाते हैं घर में। तो मैं तो अभी गई नहीं अपने कमरों की छत पे, लेकिन जाऊंगी ये इस टाइम। आप जाना मामू को कहना कि आप कुछ वजन नहीं है। नहीं, मैं जाऊंगी। आप जो है ना कमरों की छत के ऊपर इस टाइम को जो है ना ठंड होती है और सूरज जैसे ग्रूब होने जा रहा होता है तो हल्की हल्की सी धूप होती है कमरों की छत के ऊपर, तो वहीं पर मैं बैठ के सालन बनाऊंगी। कैसा? ओपन है। हाँ बस बैठ कर बनाती रहूंगी, रोटियां भी बनाऊंगी, सालन भी बनाऊंगी ऊपर बैठ के, कैसा लगेगा? हाँ ये जो है ना वो जो भाई मुहिद्दीन का कमरा है ना उस साइड पे ना वो कमरा ऊंचा है, तो हमारे कमरे जो है ना झीके हैं, तो वो उछला आता है हवा का, हवा उसके साथ जो है ना गुजर के नहीं चलती, तो वहीं पर बैठ जाऊंगी, खाना वगैरह बना लूंगी। कैसे? बहुत सही लगेगा ना? हाँ लगा जी, ठीक हो गया। छत के ऊपर और देखते हैं ऊपर का माहौल, और देखते हैं कि सब लोग मेरे ख्याल में ऊपर है और होते नहीं है। ये जब भी होते हैं ना ऊपर ही होते हैं, क्योंकि ये घर के नीचे जो है ना कोई भी नहीं होता। तो मैंने कहा कि चल के देख लूं कि माशाल्लाह सब लोग यही पर ऊपर बैठे हैं धूप पे। तो अभी चल के दिख आपको भी मिलवाती हूँ कि कौन कौन से जो है ना लोग यहाँ पर ऊपर आए बैठे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, असलम भाई पहुँच चुके हो जी।
माशाल्लाह चल के आया है। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। तबीयत कैसी है? बेहतरीन। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं? हम ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है, खैर खुशी से आ गए, घर पहुँच गए माशाल्लाह। सफर कैसा रहा? बेहतरीन सफर रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। सही है सही है। और यहाँ पर हमारे मेहमान भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सब ठीक है? सब ठीक ठाक है। वो भी ठीक है? हाँ वो भी ठीक है। बस कभी सही होती है कभी नहीं होती, बस ऐसे ही। जैसे ना सर्दियाँ है ना, तो फिर ये सर्दियों की मौसम जैसे ही आती है तो मेरी सांस रुक जाती है, मुझे खांसी शुरू हो जाती है, तो ऐसे प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसलिए ना दवाई अभी चल रही है, इलाज कर रही हूँ, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और आप लोगों ने भी दुआ करनी है। और आप सुनाएं कैसी हो, तबीयत कैसी है, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, सब सलाम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। और सोबिया कैसी है? अभी तबीयत सही है उनकी? बहुत अफसोस हुआ है उनके बारे में सुन के। हाँ ये तो है, बस अल्लाह पाक की मर्जी है, क्योंकि अल्लाह पाक दिया ही है अल्लाह पाक ने। और 10 माह जो है ना उन्होंने पेट में रखा, फिर उसके बाद जो अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी रखी होती तो वो अपनी गोद में उठाकर बैठी होती। ये भी एक बहुत खुशी होती है औरत को। हाँ जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको सियत दे और सियत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे। हाँ जी। और ये है कौसर का गोलू मोलू। ऐसे ओए साकेब है इसका नाम। ओए साकेब, ओए हंसते भी हो के नहीं हंसते? हंसते हो और किसी के साथ नहीं बोलता। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है रब का। करम भाई वो भी ठीक है, वो अभी आए नहीं उधर से, तो ऐसे ऐसे नहीं, वो उन्होंने अभी अभी वीडियो बनाई है तो वो ना अपलोड वगैरह कर रहे थे, थंबनेल टाइटल उन्होंने कहा। जब फ्री होंगे तो चक्का जरूर लगाएंगे, आपको पता है ना जैसे ही फ्री होते हैं तो वो आ जाते हैं यहाँ पे। सही बात। और आप सुनाएं कैसी हो, तबीयत कैसी है, सफर कैसा रहा? वहाँ के सब लोग ठीक थे? हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। गरमा गरम चाय। माशाल्लाह मेहमान को तो पिला दे यार। आप भी मेरा मेहमान है यार, जो इस घर में आता है वो मेहमान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना अपने दुआ सलाम खैर सलाम हाथ ले लो। चले सही है। चाय का एक हाल। हाँ एक बात और एक घुट चाय। सही हो गया। हाँ अजान हो रही है और फिर मिलते हैं अजानों के बाद। जी देखिए इरफान बेटा भी आया हुआ है, क्योंकि कौसर से मैंने मिल लिया मैंने उनको और आपको नहीं मिली थी। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप तो जल्दी से खत्म कर दी, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा जी हाँ बिल्कुल, हम भी ठीक है सारे पुराने दादों वाले, पर दादों वाले। अच्छा वो बकरी वाला हिसाब करोगे आप मेरे साथ? आज शाम को अपनी लिस्ट बना ले। अच्छा कल ना बाबू मानू को दे देना, तो फिर वो लिस्ट पढ़ती रहेगी। लिस्ट पहले बताऊंगा समझाऊंगा फिर लिखूंगा। हाँ पहले समझा दे शाम को, पहले मुझे समझाएगा ना कि लिस्ट में है क्या। हाँ जी चलो आप सुना। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल ठीक है, बस सही है, गुजारा चल रहा है, सब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है। आप सुनाएं कैसे हो, तबीयत सियत, बच्चे बड़े घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह माता के सामने। हाँ वो तो आपको देख रही हूँ, आप मेरे सामने खड़े हैं, बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं और माशाल्लाह अच्छे भी लग रहे हैं। तो घर वालों का मैंने पूछा है, जो आपके साथ नहीं आए उनका बता दे। मैंने नहीं बताया।
नहीं बता दें। नहीं आप सुनना नहीं चाहते ना मैंने। नहीं बस थोड़ी सी स्टोरी सुना दे, ज्यादा नहीं सुनूंगी। अब मैं वो क्या कहते हैं कि मोटा मोटा हाल बता दें। मोटा मोटा आप मैं जाऊँ उसमें से मोटा मोटा हाल दे रहे हैं। मोटा मैं सफाई करूँ। जैसे मैं मोटा मोटा हूँ। हाँ मोटा मोटा। हाँ मोटा मोटा ये है सब मोटे नहीं, मोटे नहीं हुए सब सही है बस। माशाल्लाह कोई भी बंदा बीमार नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। और हमारी तबीयत सही थी तो यहाँ तक चल के आए माशाल्लाह। मतलब गाड़ी पे। हाँ गाड़ी पे चल के नहीं आ सकते थे क्योंकि लंबा सफर है। सही किया यहाँ पे आया। आप जैसा रखे आपकी मर्जी। कुछ दे ना दे सुलाए ना सुलाए। हम तो आपको गिंदी में सुला देंगे। गिंदी क्या वो तड्डी दे देना। ये है ना ये नीचे बिछी पड़ी है ना तड्डी, इसके ऊपर सुला देंगे और ऊपर से एक गिंदी आपको दे देंगे और वो भी ऐसे बाहर। फिर सोना चाहोगे? हाँ वो कहते हैं ना अब आप हवाले हो चुके हैं। अच्छा जी जैसे भी उसे आना हो। हाँ कैसे खाना आप सुखे में रखो गिले में रखो गिले में। हाँ सही सही है। हम तो आपके आगे। नहीं वैसे मैं मजाक कर रही थी, आप हमारे मेहमान हो अल्हम्दुलिल्लाह और हम आपकी जो है ना खूब खिदमत तवाज़ुन करेंगे जैसे कोई मेहमानों की होती है। क्यों नहीं आप तो ये तो है हमारे अपने हो आप लोग, लेकिन इज्जत करनी चाहिए ना। दूर से आए हो ना ये तो नहीं है। चलो आप हमारे अपने बेटे हो, मैंने आपको बेटा समझा है ना, बेटे हो हमारे। लेकिन ये बात कह रही हूँ कि हम ऐसे ये तड्डी वाली मजाक कर रही थी, आपको यहाँ नहीं सुलाऊंगी, आपको जो है ना कमरे के अंदर सुलाऊंगी और वहाँ पर नीचे गद्दा बिछा दूंगी, ऊपर रजाई, फिर तकिया, फिर ये सारी चीजें, क्योंकि आपको ठंड ना लगे। झूठ मत बोले, झूठ मत बोले। ये आप ये जो है ना ये भी रजाई पर सोते हैं क्या? ये क्या है? चटाई। चटाई पर सोते वो मेरी बात सुने मेरी चटाई पर मुझे हम मैं इधर रह रहा हूँ ये रजाई पर सोते क्या? रजाई रजाई पर सोता है मैं, चटाई पर सोते हैं। मेरी बात सुने, पहले सोते थे चटाई पर लेकिन अब हमको देखा है चटाई पर सोते हुए। ठंड बहुत ज्यादा होती है इसलिए जा हम चार पर। हाँ जी एक हफ्ता पहले मैंने देखा है। वो हफ्ते की बात है, अब जो सर्दियां जब से ज्यादा हुई है ना तो हम ना चारपाई के ऊपर सोते हैं। हाँ जी चलो सही है, आपने मुबारकबाद दे दी है मुझे। हाँ हम चाहे नीचे सोए, हम चाहे जहाँ भी सोए, हम कुछ पहने या ना पहने, लेकिन हम मैं तो उनकी बात कर रही हूँ ना इरफान की। मैंने कहा कि आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। आपकी बात पता नहीं, इनके घर में एक दिन गया था। अच्छा तो इन्होंने मुझे इतनी बड़ी सर्दी में मकान के ऊपर सुनाया। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। चटाई नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया मैं ऐसे। ये पता है क्या इरफान, मैं आपको बात बताऊं, ये जो है ना ये अपने निकाह वाली रात याद कर रहा है क्योंकि ये पूरी रात चटाई पर सोया है और ऊपर से भी इन्होंने सर्दी में खुद भी मरे। हाँ हाँ ये अल्लाह का शुक्र है कि भाभी समीना जो है ना उन्होंने समझदारी वाला काम किया है, वो चटाई घर से लेकर चली गई थी। चार कमरे थे इन्होंने ये माशाल्लाह कमरे तो थे, कमरे थे ये जो ना सोए कमरों में बाहर जाएंगे। बाहर हम सोए भी नहीं, कमरे के अंदर सोए हैं। इनके पास ना इतनी इधर था भाई, इधर था मैं जब हम अपने कहाँ पे गए थे मैं लेके गया हूँ, ये ना सोचना कि ये लेके गए। फिर चलो ये किधर जा रहे हैं उन्होंने कहा आपके लिए कहाँ पे जा रहे हैं।
ये चटाई उठाओ रात ले जाए। और दूसरी क्या थी? और थी वो एक चटाई, हाँ ढोल की, ढोल की भी थी और चटाई भी थी कि हमारे ढोल के उधर जाके थोड़ी ठंडी होगी। ग्यारह बजे रात के ना बड़ा ढोल के वाला फिर निकाल दिया। नहीं नहीं, ये बात को कहाँ लेकर पहुँच गया है? असल वाली बात मैं बता रही थी। मैंने कहा मेहमानों को इन रजाइयाँ वगैरह भी दी है, सब लोग मतलब सबको प्रोटोकॉल मिला है, लेकिन ये खुद जो है ना ऐसे चटाई पर पड़े रहे और इसके ऊपर जो है ना इतना पतली सी गिंदी थी जो ये ओढ़ कर सो रहे थे पूरी रात। ठंड की वजह से इसको नींद नहीं आई। मतलब कि ये लोग ना मेहमान नवाज हैं, मेहमानों को सब कुछ इन्होंने पूरा करके दिया। जी बिल्कुल, गिंदी में गुजार दी, गिंदी में गुजार दी इनकी, ये बहुत बड़ी। हाँ जी, हाँ तो मैं बात यही कर रही थी। मैंने कहा कि मामला जो है ना भाभी के ऊपर डाल रहा था, भाभी से ये इरफान से कह रहा था भाभी ना मुझे छत के ऊपर ऐसे सुलाती है, मेरा नाम कहा है इन्होंने के मामी जान जो है ना मुझे ऐसे छत के ऊपर सुलाती है चटाई के ऊपर। सारी समझ आ गई है, ये देखे ये देखे नहीं बात को भाई घुमा फिरा रहा है। हाँ जाएंगे लंबरदार के नाह पर जाएंगे, नाह पर नहीं निकाह पर जाना है। नाम पे? हाँ जी, आपने कहा नाम पर जाओगे। ना पर जाएंगे। हाँ जी ठीक है, ऐसे मौज लगा। और यहाँ पर भाईजान भी बैठे हैं और सुल्तान बेटा भी बैठे हैं। कैसे हो? डर तो का लब लब तकिया नहीं लबदा। वो खड़ा है वो, ये तो मेरा है, ये तो बहुत बड़ा है, ये मेरा तो है। हाँ भाई का कोका गिर गया है, मेरा गिर गया जी, मेरा गिर गया ना, वो अभी तक नहीं मिला मुझे। तो इंटरनेट पे आया हुआ होता है नकदा कोका नहीं मिला, नहीं लगा, नहीं लगा। पूरी दुनिया कोका ढूंढ रही है, पूरी दुनिया कोका गुम है मेरा, टिकटॉक भरी पड़ी है लेकिन कोका नहीं मिला। कोका लभेगा भी नहीं, लब लब तकिया नहीं, नकदा कोका। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वो देखे सुल्तान को देखे, वे कोके के साथ जो है ना डांस मिक्स करके लगा रहा है। अपना कोका खुद ढूंढे भाई जान, हमें मिलने वाला नहीं है। और चाहिए और सुल्तान साहब आप बताएं कैसे हो, तबीयत कैसी है? माशाल्लाह आया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी माशाल्लाह नहीं, वैसे ही खूबसूरत लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो। क्या कह रहे, नहीं नहाया तो ना नहाओ, सर्दियों के दिन वैसे भी पूरा एक एक महीना कोई नहीं नहाता। आप तो बोलेंगे मेरे भाई, आप तो बोलेंगे मुझे पता है। हाँ ये तो आपकी तारीफ करेगा, कुछ बहुत खूबसूरत, और ये कुछ दिन करेगा ना। हाँ जी, उसके बाद जब शादी हो जाएगी ना फिर तारीफ क्या, फिर जो है ना नहीं बोलेगा, जा जा। आप कौन है और कहाँ से आए हैं? आप कौन है और मैं कौन हूँ? हाँ जी नहीं यार ऐसे बात नहीं करें यार, फन कर रहा हूँ। अच्छा ऐसे फन करते हैं, सीरियस में बात नहीं कहना यार, मैं क्योंकि मेरे भाई नाराज होते हैं। आप भी मेरे भाई है ना, जितना आप फनी है मैं भी आपका भाई हूँ, मैं भी फनी हूँ। मैं जो फनी करता हूँ आपको नागिन नागिन नहीं नहीं नंबरदार साथ में मुंशी चले चले मुंशी साथ में गाना भी गाना है, मैं नागिन 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 दास नचना गाना भी होगा।
एक नोट में 20 बार तुम्हारे ऊपर, ये पैसे की कोई बात नहीं भाई, आप टेंशन यार, ये कोई बात नहीं, बस करो, चांदी करने वाली बात ना करो, बोल रहे अपनी जेब में डाल, सही कहा आपने, जो घोल दिए हैं ना पैसे, वो घोल दिए हैं, घोल दिए हैं उसकी जेब में डाल, हाँ वो उसको पता है मेरे यहाँ से कई 50 खा गए। जी मैंने लेटी तो लगाई नहीं थी, ये लगा रहा था, ये तो आपने लगाई है, मेरे पास सपोर्ट अभी ना फल में आए हैं हमें, इनके चेहरे पर मैंने देखा तो 50 बंदा देखने अल्हम्दुलिल्लाह था तो सही, नहीं बहन भाई आपको नहीं, माशाल्लाह बहन भाई फुल सपोर्ट कर रहे हैं इनको, माशाल्लाह तारीफ करते हैं मुंशी की, माशाल्लाह मुंशी भाई जो है ना अच्छी डांस किया है इन्होंने और व्लॉग भी बहुत अच्छे बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं, हाँ जी भाई इसको सपोर्ट करें ना, सपोर्ट कर रहे हैं यार, साहब बहन भाई को हंसाने के लिए बनाता हूँ और फनी बनाता हूँ ऐसे, हाँ जी इसलिए सही करते हैं, शाबाश बेटा शुरू हो जाओ, मजा बैठो, डिंग 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 हाँ दिखा दो, नहीं हमें ना, हमने बोलना चुप कर देंगे, जाएंगे खामोश हो जाएंगे, आप जो है ना हमें ठुमका दिखा दो, हम ना बोलना जो है ना हमारा खामोश हो जाएगा, कैसे भाई इनको कह रही हूँ, इनने कहा ठुमका ऐसा होना चाहिए कि सब जो है ना देखने वाले खामोश हो जाए, देखते हैं ना तो सब खामोश होकर देख रहे होते हैं जी, ये तो इसको देख के तो सब हंसने लग जाते हैं, नहीं बहुत मजे के ठुमके होते हैं ना इसलिए हंसते हैं, अगर अच्छे होते हैं तो इंसान देखता है हंसता, नहीं हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी सही है फिर लगा लगा एक मरतबा और लगा लो, चश्मा लगा, नहीं यार थोड़ा सा ठुमका लगा लो, ऐसे कह रहे हैं ओए 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 इतना मेरे पास नहीं है जो इनके पास, नहीं वो हाँ सही बात कह रहे हो, उनके पास है आपके पास नहीं है, बना लो ना फिर आप, आपकी तो सूखी पड़ी है, बनाओगे फिर पब्लिक छुट्टी होगी आपकी, कोई आप इनको कहो कि खुराक वगैरह खा ले, खुराक वगैरह खा ले, मेरा खुराक नहीं मिलती है, नीम के पत्ते खाओ, आपकी दुमची जो है ना बढ़ जाएगी अगर खुराक खाओगे तो, नीम के पत्ते खाओ जो है वो 800 साल तो आपको अभी कितने साल लगेंगे बनाने में, तकरीबन 8 साल तो लग जाएंगे, लग जाएंगे, ये बहुत लंबी डील है आपकी, धनिया धनिया को धनिया यार मैं ऊंट नहीं हूँ, देखिए मुझे ऊंट बना दिया, बोल बट्टू क्या होते हैं, बट्टू क्या होते हैं, नहीं नहीं आप ऐसा करें मेरी बात सुने, सबज मर्चे और उसके साथ जो है ना प्याज और सबज धनिया, इसको जो है ना कूट के इसकी चटनी बना के ना रोजाना एक रोटी के ऊपर रख के खा ले, मजे के मोटे बन जाओगे, कुछ लोग कहते हैं कि ना बट्टू खाए ना ये धनिया खाए ना ये प्याज खाए, फिर आप ऐसे करें ये बोरे खाए, गट्टू नहीं होते, ये खा ले आप देसी घी चूरी, वो भी देसी घी वाली, हाँ जी वाला
हाँ मुंशी साहब, तो आपके घर में मुंशी, आपके घर में जो है ना जानवर हैं, तो अपनी मम्मा से कहो कि वो जो है ना आपके लिए देसी घी बना ले, फिर जो है ना उनकी चूरी बना के खा लेना। तो सबसे जो है हम मुकाबला करेंगे। तो प्यारे बहन भैया, वीडियो भी मेरी यहीं पर मुकम्मल होती है और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है मेरी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना है। तो मिलूंगी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।